शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड। चलिए, आज मैं जो आपको आसन सिखाने वाला हूँ उसे कहते हैं वृक्षासन। इससे हमारा दिमाग बहुत ही संतुलित रहता है और तरोताज़ा रहता है। थोड़ा फोकस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो शुरू करें। सबसे पहले आप अपने दाएं पांव को उठाइए, ऐसे अपने बाएं पांव पर ऐसे रखिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को उठाइए, परफेक्ट, जैसे आप नमस्कार कर रहे हो। इससे आपका बैलेंस सही रहेगा। आपका पोस्चर स्ट्रेट कीजिए। गुड। अरे हाँ, नाइस। अरे संभालो। यू ओके? ठीक हो? देखो, बॉडी पोस्चर को ना स्ट्रेट रखो। हाँ, स्ट्रेट, आगे बेंड मत करो, स्ट्रेट रहो। हाँ, बैलेंस रखो ये थाइस को। हाँ, ऐसे। हाँ, दिस परफेक्ट। देखो, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये आसन तुम्हें आसानी से आ जाएगा। परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक हो? क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया मेरे पैर को। बहुत दर्द हो रहा है? बहुत। लगता है मोच चाहिए। उठने की कोशिश करो। अरे नहीं, डोंट। मैं तुम्हें उठाता हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसको असर आराम से। आराम से बैठो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं ऑइंटमेंट लगा रहा हूं ना, देखना पूरा दर्द ठीक हो जाएगा। दर्द यहां नहीं, यहां मेरे दिल में है। ये सब तुम्हारा नाटक था? तो और क्या करती? मुझे सबके साथ नहीं, तुम्हारे साथ अकेले में योगा क्लास करना था, इसलिए एक छोटा सा प्रैंक करना पड़ा। अरे तो प्रैंक करने की क्या जरूरत थी? तुम हमारे योगा कैंप की खास मेहमान हो, तुम्हें तो स्पेशल ट्रीटमेंट वैसे ही मिलना चाहिए। अच्छा, नताशा बहुत खूबसूरत हो। समीर, तुम्हें कुछ बताना था। हाँ हाँ, बताओ। मैं आज शाम की फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया वापस जा रही हूँ। क्या? लेकिन तुम तो अगले हफ्ते जाने वाली थी ना, तो फिर इतना जल्दी क्यों? स्वीटर, आज ही हमारा योगा कैंप खत्म हुआ है और हमने तो प्लान्स बनाए थे कि हम घूमेंगे फिरेंगे, साथ में रहेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो फिर तुम अचानक क्यों जा रही हो? आई एम सॉरी बेबी, जाने का तो मेरा भी मन नहीं है, पर जिस कंपनी में मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करती हूँ उनका बार बार फोन आ रहा है मेरे पास, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। देखो, एक महीना कितने जल्दी से गुजर गया। एक महीना पहले ही हम इस योगा कैंप में मिले थे, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी जिंदगी तुम्हें जानती। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, कैसे रहूँगी मैं वहाँ तुम्हारे बिना। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा स्वीटहार्ट।
I love you, Samir. I love you. मुझे मिस करते रहना बीबी। और हाँ, मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, छोड़ के नहीं जा रही। है ना? I miss you. I love you. ये कौन फोन बार बार कर रहे तुम्हें? अरे ऐसे ही, don't worry. Sweetheart, मैं लेट हो रहा हूँ। हम्म? Hi, sweetheart. चलो कम से कम अब फोन तो उठाया। अगर इस बार मेरा फोन नहीं उठाते ना, तो सीधे तुम्हारे योगा कैंप पहुंच जाती मैं। इतना क्या बिजी हो कि अपनी पत्नी का फोन भी नहीं उठा सक रहे हो? अरे sweetheart, स्केड्यूल बहुत टाइट था मेरा। लेकिन टेंशन क्यों ले रही हो? आज हमारे योगा कैंप का लास्ट डे था ना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। चलो कम से कम घर की याद तो आई। अच्छा सुनो, आज जल्दी घर आना, मुझे कुछ बताना है। जल्दी आता हूँ। लव यू। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। कैसी हो वहाँ? अरे अजय, तू कब आया? हाँ, टायरिंग टू। अदिति, प्लीज मेरे लिए एक प्याली चाय बना दो ना, बहुत थकान हो रही है। क्या बात है, आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? मैं घर पे वापस आया हूँ, आप लोगों को खुशी नहीं हो रही है क्या? अदिति, तुम तो बताओ आखिर बात क्या है, प्लीज। तुम्हें क्या लगा समय? तुम नहीं बताओगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। दीवारों को भी कान होते हैं बेटा, तुम जितनी बात छुपाओगे ना उतने जल्दी सामने आ जाती है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे समय। दरअसल बात यह है कि वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि ऐसे डर गया जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई। समीर, हमें अजय ने सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुम उसके फार्म हाउस पर अपना नया योगा सेंटर खोलने जा रहे हो। नया योगा सेंटर खोलने जा रहे हो? कम से कम मुझे तो बताया होता। एक्चुअली मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन देखो ना, अजय ने पूरे सरप्राइज की बैंड बजा दी। हाँ देख भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो अदिति भाभी ने इतना बढ़िया लंच कराया कि मैंने तेरा सारा सरप्राइज बता दिया। ठीक है बेटा, उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज। बहू मेरे लिए मत बनाना, मेरा पूजा का समय हो गया है। ठीक है, मैं भी जल्दी। तुम आराम करो। और बता कैसा रहा तेरा ऋषिकेश यू कैंप ट्रिप? कितनी रात तक इसका फोन है? अरे क्लाइंट है, बार बार फोन करके डिस्टर्ब करता है। ये सब छोड़ो ना, बैठो बैठो बैठो। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं ऑफिस में था तो तुम्हारा फोन आया था, तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, और तुमने ये भी कहा था कि जब मैं घर आऊंगा तब मुझे बताओगी, तो बताओ क्या बात है? मिस करो? Yes. यार तुम जानती हो ये गेस्ट वेस्ट करना मुझे नहीं आता है, प्लीज बताओ ना, प्लीज। तुम पापा बनने वाले हो क्या? Are you serious? I don't believe it. सच में? अदिति मैं कितना खुश हूँ आज, थैंक यू सो मच। अदिति मैं वादा करता हूँ, आज से, इनफैक्ट अभी से, मैं तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा हमेशा, और तुम्हें ढेर सारा टाइम दूंगा और बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा प्यार करूंगा।
अदिति कौन है? कौन है? कौन था? कौन था? पता नहीं अंधेरे में चेहरा दिखा नहीं मुझे। तुम ठीक हो? आओ आओ बैठो। ये लो पानी पी लो। सच में कोई था या सिर्फ इसका वहम था? हमारे योगा के सेशंस सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होंगे। आई थिंक ये टाइमिंग ठीक रहेगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? ओके ठीक है, आप लोग जाइए। थैंक यू। हाँ अदिति। हाँ समीर, मेरी कार से एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? कैसे? तुम ठीक तो हो ना? और वो लड़की, क्या वो ठीक है? पता नहीं, पर अभी तो वो बेहोश है। वो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखो तुम टेंशन मत लो, तुम फौरन उस लड़की को लेकर घर जाओ। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो भी वहाँ पहुँचेगा और मैं भी जल्दी यहाँ से निकलता हूँ। ओके? पर घर क्यों? उसे तो हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नहीं 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 अदिति, बात को समझने की कोशिश करो। अगर उसे हॉस्पिटल ले गए तो बेकार में पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। देखो तुम उस लड़की को घर ले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके मैं जल्दी आ रहा हूँ, डोंट वरी। ओके। अदिति। समीर अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब सब कंट्रोल में है। डॉक्टर साहब ने चेक किया हूँ और कहा मामूली सी चोट है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड। हम तो कहते हैं एक दो घंटे में इस लड़के को यहाँ से चलता करो, बेकार की आफत हम अपने सर क्यों मढ़े। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ, उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे ही उसे चलता करें? अरे पहले उसकी कंडीशन तो देखें, ये तो पता करें कि वो यहाँ से जाने की हालत में है भी या नहीं। नताशा, ये समीर मेरे पति। हेलो समीर, नताशा ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आई है, इस शहर में नहीं है, और देखो ना मेरी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। आई एम सो सॉरी नताशा। प्लीज़ बार बार सॉरी मत बोलो, गलती आपकी नहीं थी, गलती मेरी थी, मैं ही बिना देख के रोड क्रॉस कर रही थी। हाँ हमें तो पहले से ही पता था कि गलती तुम्हारी थी, तभी दुर्घटना हुई। चलो कम से कम तुमने अपनी गलती तो मान ली। डॉक्टर का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। हेलो जी डॉक्टर साहब। इसे मुंह लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितने जल्दी हो सके इसे यहाँ से जाने को बोलो। अगर ये पैसे इसे कुछ मांगेगी ना, बिल्कुल मत दे लो, समझे? जी। नताशा, मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था, वो मैं सच कहना चाहता था। सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ नहीं रही हूँ, पर मेरे जाते ही तुमने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया, मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, मुझसे रह नहीं गया, इसलिए मैं एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट योगा कैंप पे वापस गई।
पर वहाँ पे पता चला कि तुम तो जा चुके हो। फिर मैं क्या करती है? फिर मैंने वहाँ से तुम्हारा घर का एड्रेस ले लिया और कल रात को ही यहाँ पहुँच गई। मैं सोच रही थी तुम्हें सरप्राइज दे दूँ, पर सरप्राइज तो तुमने मुझे दे दिया। तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम मेरे दो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। क्यों किया है ऐसे मेरे साथ? प्लीज़ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो कोई आ जाएगा, प्लीज़। मैं तो चाहती थी कि मैं कल ही तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बताऊंगी। प्लीज़ ऐसा मत करना। मैंने किया नहीं क्योंकि मेरा मूड बदल गया, और फिर कल रात को मैंने उसके साथ एक प्रैंक खेला है। क्या डर गई बेचारी। वो कौन है? अदिति, अदिति, कौन है? ओह, यू हैड टू सी हर फेस। और आज मैं स्पेशली उसके कार से ही टकरा गई, अपना खुद का एक्सीडेंट करा के। क्या करती बेबी? मुझे तुम्हारे पास आना था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं क्या करती? नताशा, प्लीज प्लीज, ये मेरा घर है, ओके? ये हमारा योगा कैंप नहीं है। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी फैमिली को दुख पहुंचे, प्लीज। घबराओ मत बेबी, मैं यहाँ पे किसी को दुख पहुंचाने नहीं, तुमसे प्यार करने आई। इंडिया और इंडिया के लोगों से बहुत प्यार है मुझे, इसलिए तो यहाँ पे आई हूँ। फिलहाल तो जॉब सर्च कर रही हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए यहाँ पे कोई जॉब ही नहीं है। वैसे तो लोग नौकरी करने यहाँ से विदेश जाते हैं, हर तुम हो कि विदेश से यहाँ नौकरी करने आई हो, ये बात तो मुझे हजम नहीं हुई। जी नताशा, प्लीज माजी की बातों का बुरा मत मानना, उनकी तो आदत है ऐसे मजाक करने की। वैसे किस तरह का जॉब सर्च कर रही हो तुम? वेल एक्चुअली आई एम अ योगा टीचर, तो यहाँ के लोकल योगा सेंटर में मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर लिया, सो लेट्स सी। फिर तो समझो तुम्हें जॉब मिल गई। एक्चुअली समीर खुद एक योगा टीचर है और उन्होंने अभी अभी अपना नया सेंटर ओपन किया है। समीर, तुम्हें नए योगा ट्रेनर की ज़रूरत होगी आई एम श्योर। प्लीज़ नताशा को एक चांस दो ना, प्लीज़। या श्योर श्योर, तुम्हें काम मिल जाएगा, यू विल गेट द जॉब, डोंट वरी। रियली थैंक यू सो मच गाइस। कांग्रेचुलेशंस नताशा, अब जॉब तो तुम्हें मिल गई है, और मैं कह रही हूँ तुमसे कि जब तक तुम्हें रहने की कोई तुम्हारा अरेंजमेंट ना हो जाए, कोई जगह नहीं मिल जाए, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, है ना समीर? हाँ, ऑफ कोर्स। दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच गाइस। समीर, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? परेशान नहीं तो I'm fine. खाना खाओ? हाँ, अरे एक्चुअली मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना था, एक्सक्यूज मी। इतनी जल्दी नहीं होती कि मैंने उसके दूध में नींद की गोली मिला दी। Thank you.
क्या है ना बीबी, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ पे तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मुझे प्यार किए बिना यहाँ पे आराम से चैन से सो रही हो। मुझे तो लगा था कि तुम रात को मेरे पास मेरे कमरे में आओगे और ये देखो मुझे यहाँ तुम्हारे पास आना पड़ा। I missed you so. अच्छा अच्छा बहुत बड़ी गलती हो गई यार। नहीं मैं योगा कैंप के लिए गोवा जाता और ना ही मेरी मुलाकात नताशा से होती और ना ही हमारे बीच वो सब कुछ। यार मुझे लगा था कि वो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी तो उसके बाद हमारे बीच जो कुछ भी हो सब खत्म हो जाएगा। और तो और मेरे घर में घुस कर बैठ गई है यार, मैं परेशान हो गया हूँ। लगता है मेरे बारे में बात हो रही है। अरे नताशा तुम, अब ये अजय मेरा दोस्त, अजय नताशा। हाय हाय। अच्छा मैं निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। बाय। क्या कुसुर पुसुर कर रहा था तुम्हारा फ्रेंड? कुसुर पुसुर कुछ नहीं, बस वो बिजनेस की बातें कर रहे थे, दैट्स इट। देखो नताशा तुम्हारा काम खत्म हो गया ना, अब तुम घर जाओ, मुझे एक जरूरी मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। ओके नताशा। मैं घर पे के लिए क्या करूंगी तुम्हारे बिना भी, मैं बोर हो जाऊंगी तुम्हारे बिना। बेटे मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ एक एंड लाइफ में क्या सोच रही, चलो ना। स्टॉप इट नताशा, प्लीज स्टॉप इट। क्या 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 कर क्या रही हो तुम? ये ऑफिस है, ओके? कोई लवर्स पॉइंट नहीं है। देखो तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम घर जाओ, गेट इट? हाथ में चाकू लिए क्यों खड़ी हो? काटने आई थी। हाँ? सब्जी काटने आई थी, वो मैं बोर हो रही थी तो सोचा कि थोड़ा सा तुम्हें हेल्प करूं किचन में। इसकी कोई जरूरत नहीं, किचन के सारे काम हो चुके। चलो हम चलते हैं, माँ जी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है, उनसे मिलकर आते हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है, पूजा खत्म होते ही हम हरिद्वार से जल्दी वापस आ जाएंगे। और हाँ, हमारे आने से पहले उस अंग्रेजन लड़की को यहाँ से जल्दी विदा कर देना, वैसे भी वो लड़की हमें ठीक नहीं लगती। आप चिंता मत करिए मुझे, आपके आने के पहले वो यहाँ से बाहर चली जाएगी। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ बोलो। बेबी जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ, कुछ स्पेशल है तुम्हारे लिए। देखो इस वक्त मैं नहीं आ सकता, मैं माँ को छोड़ने जा रहा हूँ। देखो अगर तुम दो मिनट में मेरे रूम में नहीं आए तो मैं बाहर जाके सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी। अब माँ वो मुझे कोई जरूरी काम आ गया है, मैं आपको छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। आपको आपको अजय छोड़ देगा आपको। हाँ छोड़ दूंगा। छोड़ देगा, ठीक है। अपना ख्याल, आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ फोन करना मुझे, आशीर्वाद दीजिए, ख्याल रखिए अपना। चलिए आंटी जी।
समीर को क्या हो गया? नताशा, ये क्या मजाक है? ये फोटोस तुमने ऐसे क्यों लगाई है? नहीं बीबी, ये तो मेरा प्यार है। मैं तुम्हारे साथ हर बिताए हुए मोमेंट को फील करना चाहती हूँ, इसलिए सब लगा दी। अराना, दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गया तुम? देखो, यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं नहीं रहते, और भी लोग रहते हैं। मेरी फैमिली रहती है यहाँ, और अगर किसी ने इन सब देख लिया इतना कितना हंगामा खड़ा होगा। हटो, देखो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, दोबारा ऐसी बेवकूफी मत करना। तुमको साथ क्यों आ रहे हो बेबी? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे पता है कि मेरी यहाँ पे आने से तुम बहुत परेशान रहते हो। तुम्हें हमेशा डर रहता है कि तुम्हारी फैमिली को हमारे बारे में पता ना चले, है ना? डोंट वरी, बहुत अच्छा सलूशन निकाला उसके लिए। सी, ये रहा सलूशन। बकवास है। कैसा रहा हमारे शादी का कार्ड? है ना बहुत अच्छा है। अभी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब प्लान कर लिया। तुम बस ना जल्द से जल्द अदिति को डिवोर्स दे दो और उसको हमारी जिंदगी से बाहर निकालो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। हम हनीमून भी ऑस्ट्रेलिया में मनाएंगे। नहीं, मालदीव्स कैसे रहेंगे हनीमून के लिए? मेरी बात तुम कान खोल के सुनो, अदिति मेरी पत्नी है, बहुत जल्द मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, डिवोर्स तो बहुत दूर की बात है, उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर जाना होगा ना तो तुम जाओगी। जी, मेरी लास्ट वार्निंग है, तुम्हारा ऐसा घटिया मजाक मत करना, गेट इट? मेरी बात तुम कान खोल के सुनो, अदिति मेरी पत्नी है, बहुत जल्द मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर जाना होगा ना तो तुम जाओगी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है, तुम्हारा ऐसा घटिया मजाक मत करना, गेट इट? समीर, अगर मुझे तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी वाइफ को भी खून करना पड़ेगा तो मैं वो भी कर दूंगी, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्या हुआ नताशा, ऐसे घूर क्यों रही हो? कुछ देना था तुम्हें। मुझे क्या? मौत। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, और मेरा पागलपन तुम्हारी मौत से ही खत्म हो जाएगा। नताशा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा नताशा? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि तुम मेरे और समीर के रिश्ते के बीच में एक कांटा बन चुकी हो, तुम्हारी वजह से वो मेरे साथ नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं ये कांटा हमेशा के लिए निकाल के फेंक दूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? सब झूठ बोल रहे हो। समीर मुझे धोखा नहीं दे सकते। धोखा तो उसने तुम्हें पहले ही दे चुका है, जब से वो योगा कैंप में मेरे साथ एक रात गुजारी थी। उसके बाद एक महीना हमने बहुत मजे किए, जब तक वो घर नहीं आया। उसके बाद तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर दूर रहता है। मैं आज ही ये सब खत्म कर दूंगी, हमेशा के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी। तुम डरो मत, ज्यादा पेन नहीं होगा, बस ये तुम्हारे पेट क्या हो जाएगा और फिर
कुछ ही सेकंड्स में तुम खत्म हो जाओगे। टाटा बाय बाय। प्लीज मुझे मत मारो नताशा, प्लीज मुझे मत मारो। बिग सिंह मुझे तुम्हें जल्दी मारना पड़ेगा। समीर छोड़ दो मुझे। इसको आज मारना पड़ेगा। इसकी वजह से हम दोनों साथ में नहीं हो सकती। इसको आज ही खत्म करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो समीर। हटो। How dare you? अदिति, तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? बोला अदिति, are you okay? अदिति, अदिति, अदिति रुको, मेरी बात तो सुनो। अदिति, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। अदिति, अदिति, I love you. अदिति, please मत जाओ। अदिति, 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 क्या अदिति लगा रखा है? मैं सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम अब भी इसी वक्त मेरे साथ चलोगी। और अगर तुमने मना किया तो मैं बाहर जाके सबको हमारे रिश्ते के बारे में बताऊंगी। चलो मेरे साथ। ए, रुक। अदिति, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे और नताशा के बारे में सब कुछ पता चल गया, लेकिन मैं अपनी सफाई नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे प्यार को धोखा दिया है अदिति, लेकिन यकीन मानो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तुम ही मेरी सब कुछ हो। गोवा के योगा कैंप के बाद मैं सब कुछ भूल गया था, सब कुछ पीछे छोड़ दिया था मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो नताशा वापस मेरी जिंदगी में आ जाएगी। अदिति, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। प्लीज मुझे माफ कर, प्लीज। ऐसे मत कहो, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन। लेकिन आज की बात अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, नहीं, नहीं। कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, I promise you। और तुम फिकर मत करो, मैंने नताशा को अच्छे से समझा दिया है। वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, अब वो वापस लौट कर नहीं आएगी। ओके, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे माफ कर दिया ना, मेरे लिए यही बहुत है। आई लव यू, I really love you. मैं अपना आपा खो दूं, तुम अपना सामान बांधो और इस घर से अभी के अभी निकल जाओ। Get out! और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ। अभी क्या भी, चलो मेरे साथ। बहुत हो गया, क्या बोल रही थी? मेरी जिंदगी तबाह करेगी तू, मुझे धमकी देती है, मुझे ब्लैकमेल करेगी तू, मुझे ब्लैकमेल करेगी, समझती क्या हो तुम? नताशा, आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो नताशा, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? गॉड,
मैं क्या करूं? She's dead. Oh God, ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? समीर? हाँ? यहाँ क्या कर रहा है? और ये संदूक में क्या है? हाँ, अदिति? वो नताशा जाने से पहले अपना सामान यहाँ भूल गई थी, तो मैंने उसे यहाँ संदूक में रख दिया ताकि अगर तुम उस सामान को देखो तो तुम्हें तकलीफ ना हो। हम इस बारे में बहस क्यों कर रहे हैं, वैसे भी लेट हो गया है, चलो चलते हैं। कल सुबह होते ही बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा। अरे आदिति, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तीसरा महीना शुरू हो गया है, डॉक्टर ने रूटीन चेकअप के लिए बुलाया है। अच्छा मैं एक काम करूँगी, लौटते मैं माजी को भी रिसीव कर लूँगी स्टेशन से, आज पार लेकर जा रही हूँ। तुम प्लीज़ एक काम करना, आज टैक्सी से अपने योगा सेंटर चले जाना। थैंक यू। आदिति गाड़ी लेकर जा रही है, अब बिना गाड़ी के मैं बॉडी को ठिकाने कैसे लगाऊंगा? समझ में नहीं आ रहा, अगर जल्द से जल्द बॉडी को इस घर से बाहर नहीं निकाला तो बॉडी में से बदबू आएगी। क्या करूं, क्या करूं? रात को जंगल में जाके नताशा की बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा, तब तक नताशा की बॉडी यहां इस फ्रीजर में रहेगी, बदबू भी नहीं आएगी। स्मार्ट। ये एसी क्यों नहीं चल रहा? सर बिजली चली गई है, केबल बिछा रहे, 4-5 घंटे लाइट नहीं आएगी। ओह गॉड। ब्रो, ये बदबू कहाँ से आ रही है, है ना? हाँ माजी, मुझे लगता है स्टोर रूम से आ रही है। अच्छा चल देखते हैं। रुक जाओ दीदी, रुक जाओ प्लीज, अंदर मत जाना। पर क्यों, स्मेल तो यहीं से आ रही है। वो केमिकल्स, केमिकल्स है अंदर, केमिकल्स की बदबू होगी। वो मेरा दोस्त है ना सिद्धार्थ, उसने केमिकल्स का नया बिजनेस शुरू किया है, तो उसके स्टोर रूम और उसकी दुकान में कुछ केमिकल्स रखने की जगह नहीं थी, इसलिए उसने मुझसे कहा, तो मैंने यहाँ स्टोर रूम में रख दिए। लेकिन लेकिन टेंशन मत लो, आज शाम तक मैं इन केमिकल्स को हटा दूंगा पक्का। और सुनो सुनो प्लीज़, कुछ भी हो स्टोर रूम के अंदर मत जाना, क्योंकि वो केमिकल्स की जो बदबू है वो तुम्हारे और बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। सो लेकिन तुझे ये सब लाने की क्या जरूरत थी इस घर में, केमिकल केमिकल, हाँ पहले वो अंग्रेजन लड़की और अब ये केमिकल। राम जाने पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल बहू अंदर आ। आप लोग जाओ। जितनी जल्दी हो सके
नताशा की बॉडी को घर से बाहर निकालना होगा। लेकिन इतनी बड़ी बॉडी को घर वालों के सामने बाहर निकालूंगा कैसे? कैसे आ रही है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। नानी की लड़का क्या करता रहता है? सुहायराम, ये सही वक्त है इसकी लाश को ठिकाने लगाने का। समीर, क्या हुआ? तुम यहाँ शोरूम में क्यों आई? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ मत आना। फिर समीर, ये फ्रीजर यहाँ पर कब आया? ये तो पहले यहाँ पर नहीं था। ये फ्रीजर में मैंने केमिकल्स रखे। तुम जाओ यहाँ से, इट्स नॉट सेफ फॉर यू, गो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है समीर कि तुम इसे कुछ छुपा रहे हो? सच सच बताओ, क्या है इस फ्रीजर में? अरे केमिकल्स हैं, बोला ना तुम्हें। क्यों सवाल जवाब कर रही हो मुझसे? हाँ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, गो गो। मुझे वो केमिकल देखने, फ्रीजर का ढक्कन। देखो अदिति, जिद मत करो, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, प्लीज गो, जाओ। केमिकल देखे बगैर नहीं जाऊंगी। अदिति, समीर, ये क्या है? तुमने कहा था मुझसे कि तुमने नताशा को बाहर भेज दिया, तो ये क्या किया तुमने समीर? मेरी गलती नहीं, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, तो वो समझने को तैयार ही नहीं थी। जो कुछ भी हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, यकीन मानो मेरा, प्लीज। अरे गुस्से में मैंने अपना आपा खो दिया। मैं उसे बहुत समझा रहा था लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी, और उसने तुम्हें भी तो मारने की कोशिश की ना। इसमें मेरी गलती क्या है? गुनाह हो गया, लेकिन 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 तू फिक्र मत करो, मैं इस लाश को ठिकाने लगा दूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदिति, प्लीज गिव मी अ चांस, प्लीज। इस वक्त यहाँ क्या समीर शर्मा आप ही हैं? जी, लेकिन आखिर आखिर बात क्या है? नताशा की हत्या के जुर्म में मैं गिरफ्तार करने आया हूँ। गीता, बोरा चेक करो। मैंने इन्हें फोन करके बुलाया है, सब कुछ सच सच बता दिया है। समीर, नताशा जैसी भी थी, पर तुमने जो किया वो गलत किया, और तुम्हें अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। बहू ठीक बोल रही है बेटा, हमें सब पता चल गया है, भांप करके भागा नहीं जा सकता है। उस लड़के में जितनी भी बुराई थी, मगर तुझे अपराध का रास्ता नहीं चुनना चाहिए था। कांस्टेबल, लेकर चलो इसे। हेलो कंट्रोल रूम, आप जल्दी से एम्बुलेंस और फॉरेंसिक टीम भेजिए।